अभी मशीन चल रही है तो मशीन रुकेगी तब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं बंद कर देती हूँ। Hey guys, welcome to my new vlog. So, आज है फर्स्ट नवरात्रे, तो सबको हैप्पी नवरात्रे। तो व्रत रखा है, व्रत रखा है आपने? मम्मी मम्मी ने तो रखा, आपने भी रखा है? मैंने भी रखा है और पापा जी ने भी रखा है। पूरे नौ। मैंने, साहिल ने और पीयूष ने, तीनों ने नहीं रखा बिकॉज हमसे नहीं रहा जाता, हमसे गलती हो जाती है, कुछ कुछ मुंह में डाल लेते हैं। ट्राई किया था बट वो गलती से मुंह में चला था, तो इससे बढ़िया रखना ही ठीक नहीं, अगर टूट जाए तो, है ना मम्मी? तो अभी का सीन है, अभी पापा जी और मैं सारा मंदिर का सामान लेने जाएंगे क्योंकि जोत जलाएंगे जो कि 9 दिनों तक जलती रहेगी कंटिन्यूसली, तो हम घर पे ही जलाते हैं। तो सारा सामान सामान लेके आएंगे, पूजा वगैरह होगी। अम्मा भी देखो बिल्कुल सस्त फर्स चुकी है। तो अभी सामान लें जो भी पूजा में यूज होता है, और पापा जी अभी नारियल छील रहे हैं। तो गाइस सरदा सैलदा सबको भूख लग रखी है बहुत तेज वाली, बट पहले जलाएंगे बड़े पापा जोत, फिर खाना है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गाइस, और ये यहाँ से देख रहे हैं हमको, देखो। और ये क्या हुआ, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से क्यों देख रहे हो? और यो क्या हुआ, यहाँ से कैसे देख रहे हो हमको? एक्चुअली सीरियस, साहिल अंदर गया नहाने के लिए, और ये को भी ले गया, और ये को पकड़ रखा है उसने अच्छे से, और यहाँ पे और यो देख रहा है। ओलू ओलू ओलू, इसका मुँह देखो कितना, हेलो कह दो, हेलो हेलो, कितना मासूम लग रहा है इसका मुँह देखना। ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई बड़ा सा कुत्ता है, मुंह निकला हुआ ऊपर, है ना? आजा आजा। खोल दे साहिल, खोल दे। आजुली आजुली, तू भागा, तू भागा, औरी को बाहर खोलो। औरी जो जला रहे हैं, चलो बाहर। चंदनम अक्षतम समर्प्यामि। तो अभी कलश स्थापना हो रही है, उसके बाद जो जलेगी। चुप दे, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट फिर भी मैं दवाई खा रहा हूँ बिकॉज लेके आया था, और वैसे भी आर्ट वाले चैनल की एडिटिंग वगैरह करनी है तो सिर में दर्द ना हो, बट फिर भी मैं एक दो टाइम भूल जाता हूँ, कल रात को भूल गया था। तो अब मैं आर्ट वाले चैनल के लिए काम करता हूँ और आपसे दिन में या शाम को मिलता हूँ। आर्ट वाली वीडियो रेडी है, अपलोड पे लगा दी है, और अभी लंच टाइम हो रहा है, तो चलो देखते हैं खाने में क्या बना है आज। खाने में क्या बना है? आलू वाले चावल। अच्छा हाँ, आपका तो व्रत है, सिर्फ हमको ही खाना है, सिर्फ बच्चे बच्चे खाएंगे, बड़े नहीं खाएंगे। तो अभी हमारा सिलेंडर आया, खाली सिलेंडर निकाल रहे हैं पापा जी। फ्रिज के नीचे देख, 5 रुपए लेके आऊंगा। फ्रिज के नीचे नहीं है पापा जी, किसी एक काम करे, इसको उठा के अंदर रख, अंदर रख दे। ओह गुड बॉय गुड बॉय। और ये डर रहा है, चली औरी चली, नहीं खाली गया, भरा हुआ आया। खाना खा लिया? ओह सॉरी 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 खाइए, बहुत केला खा लिए सॉरी। तो गाइस अभी शाम के हो रहे हैं 4:30, हम पियेंगे नारियल पानी, बट स्ट्रोक हो गया है। ये चाकू एकदम से पानी ऊपर आता है, इसमें देखते हैं कितना पानी आता है, मेरे पास गिलास है तो ग्लास में निकालेंगे, देखते हैं एक गिलास आता है या कम आता है, आधा गिलास आता है। मशीन थी, मशीन से सुराख कर लेगा। कौन सी मशीन? ले ड्रिल मशीन, वाह ड्रिल मशीन से एक बार में सुराख निकाल लेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, पता क्यों नहीं? ड्रिल मशीन से नहीं होगा, सारा पानी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? इसके लिए ड्रिल मशीन लगाऊंगा मैं, कैसी बात कर रहे हो? इतना गहरा गड्ढा कर दिया फिर भी पानी नहीं आया, ना पानी है ही नहीं इसमें, इतना गड्ढा कर दिया मैंने, अभी तक तो निकल जाता है, पैसा बर्बाद। इसमें 6 छाद और सारा निकल गया, लीक हो कहीं पे। देखो पूरा चाकू अंदर घुस गया, देखो फिर भी नहीं आया पानी, थोड़ा सा तो है मेरे ख्याल से। अरे नहीं हो गया सुराख, क्यों नहीं, भरा पड़ा है पानी से, वो भरा पड़ा है।
अरे वाह एक ही गिलास आया, एक गिलास से थोड़ा कम है, दिखाऊं? ये दिख रहा होगा आपको, इतना पानी है इसमें। गिलास को तोड़ के देखते इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सोना है। तो कैसे पीऊं मैं, छानना पड़ेगा इसको। आज शाम के टाइम पे नो चाय, आज शाम के टाइम पे नारियल पानी, छान लेता हूँ इसको। वैसे मज़ा तो स्ट्रॉ से ही आता है। क्या कर रहे हो, फोड़ने में लगे उसको। आवाज देख, फोड़ने में लगे। क्या है बोला, दिखाओ इसके अंदर। देखो गाइस बोला, इसके अंदर तो पूरा नारियल है। खा सकते हैं इसको? खा सकते हैं, खाना ही पड़ेगा, खाने के लिए तो निकाला है। तो गाइस उसके अंदर से ये निकला। सब होता है, सारे गोलों में लोग फेंक देते हैं ना अगर उसको फोड़। अरे वाह टेस्टी है तो। ये तो काफी बढ़िया चीज इन्वेंट की पापा जी ने। आप भी आगे से लो, तोड़ के अंदर तो चेक, उसको तोड़ लेना जैसे पापा जी ने तोड़ दिया। तो इसके अंदर इतना सारा है अभी तो। ठीक है, याद रखना आगे से नारियल लो तो फेंकना मत उसको, उसको इस तरह से खोल देना और उसके अंदर का खाना बहुत टेस्टी होता है। भाई देवे अभी पीयूष पता नहीं कहाँ बाहर डोल रहा है, और अम्मा और मम्मी जी गए हैं सत्संग में। आज व्रत है और आज सत्संग भी शुरू हो गए, तो आपको व्लॉग में थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज सत्संग आते रहते रोज, सत्संग में जाएंगे। अब नीचे कौन आया? नीचे विनोद है, विनोद से मिलाता हूँ आपको। क्या हुआ विनोद, गया? नहीं यहीं पे भाई साहब। और विनोद बढ़िया भाई। अंकल जी नमस्ते। हैं रे, पापा जी ने पूरा नारियल तोड़ दिया, उसके अंदर से मलाई निकाल दी। खा गए? पानी भी मलाई भी दोनों चीजें खाए जा रहे हैं, पूरा पैसा वसूल। सो भी आपको एक सीन दिखाता हूँ मस्त सा। देखो बड़े पापा और ये को नीचे का नजारा दिखाते हुए और साथ में IPL का मजा लेते हुए, और ये भी मजे से देख रहा है नीचे उस साइड कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये हमारा कैमरा बन गया। कैमरा है, हम इसकी आंखों में देख के बता सकते हैं कि कौन आया था कौन गया था। कोई सेंस है इस बात की? सो अभी हम जा रहे हैं साइकिल और बाइक राइड पे, साहिल दा और मैं। पीयूष तो है नहीं घर में, तो साहिल जाएगा साइकिल से, मैं जाऊंगा बाइक से। इसकी जो सीट है ना वो एडजस्टेबल है, वो हम खुद अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पीयूष नीचे कर देता है, ये ऊपर कर देता है। काफी लोग बोल रहे थे छोटी साइकिल ले ली। आपको पता है इसका हैंडल बिल्कुल इसकी तरह है। कल मैं चला रहा था साइकिल, मुझे लगा बाइक चला रहा हूँ, मैं गियर लगाने की कोशिश कर रहा था। भाई अभी से स्टंट वटंट मत कर तू। गाइस डू नॉट ट्राई दिस एट होम, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, ये बाइक में भी होता है ये सिस्टम, अट्रैक्शन कंट्रोल ऐसी कुछ होता है, सुपर बाइक्स में होता है, इसमें तो नहीं होगा। छोड़ो हाथ ना भाई, अपना रिस्क नहीं ले सकते आपा। हैं नहीं भाई, अपने पास नहीं कॉन्फिडेंस यार, यहाँ से काम मत कर। पीछे से ऑडी आ रही है। मजा आ रहा है चलाने में? अबे यार ऑफ रोड मत करा। तो यहाँ पे मैं साइकिल चलाऊंगा एंड साहिल बाइक चलाएगा। ओए कितना क्यूट है ये। हेलो ओरी। अब मेरे को हर डॉग में ओरियो दिखता है। ओरियो आजा आजा। ओरियो। तो मैं अब साइकिल चलाता हूँ, मैं तो हेलमेट डाल के चलाऊंगा, पता नहीं कैसा आ रहा होगा, होपफुली सही आ रहा हूँ। अरे वाह मज़ा आ रहा है चलाने में तो, ऑब्वियसली नहीं है तो मज़ा तो आएगा ही। साहिल हाथ छोड़ी कैसे चला रहा था? गाइस आई एम नॉट प्रमोटिंग, प्लीज़ देख लो पूरा खाली है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मुझसे हो नहीं रहा है। और तू बाइक पे मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है बाइक पे, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची में तू मस्त लग रहा है बाइक पे। मैं भी ऐसे लगता हूँ क्या? मैंने कभी खुद को देखा नहीं है। हम साइकिल भगाएंगे, वो ड्यूक भगाएगा। वैसे सारे घूर रहे हैं कि मैंने हेलमेट क्यों लगा रखा है, वो भी साइकिल पे। ये जो जगह है जहाँ पे हम आए हैं ये पूरी खाली रहती है, यहाँ पे मतलब ये मेन रोड नहीं है, यहाँ पे सारे बाइक साइकिल सीखते हैं, मैंने यहीं पे सीखी थी। ऑफ रोडिंग करते हैं थोड़ी, ये ओहो मजा आ रहा है चलाने में, ये मजा गलियों में नहीं आता, ट्रैफिक में नहीं आता। हाँ ये बात भी अच्छी है इसकी,
कि बंद नहीं होती है, 10 की स्पीड पे भी हो चाहे। सो आज की इस राइड में गाइस बहुत मजा आया साइला के साथ में। तो साइकिल भी चलाई, बाइक भी चलाई, एंड पीयूष बेचारा पता नहीं क्या कर रहा था। सो फिलहाल गाइस मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ठोक देना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।